हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स सो टुडे आपका टर्न है किस चीज का मैथ्स का सो so, हमने मैथ्स में एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन कर ली थी फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कर्व कर्व के बारे में हमने पढ़ा था कोई भी चीज जब कंटिन्यूस हम बनाते हैं बिना पेंसिल उठाए तब एक कर्व बनता है और मैंने आपको यह भी बताया था कि हर कर्व के अंदर एक स्ट्रेट लाइन होती है अब इसे हम बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे जो दो एडजस्टमेंट पॉइंट होंगे वो जस्ट स्ट्रेट होंगे ठीक है तो चाहे ऐसा कर्व हो उसके अंदर जरूर स्ट्रेट लाइन सारे कर्व स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं ठीक है कर्व के बारे में पढ़ा था फिर हमने पढ़ा था सिंपल कर्व क्या होते हैं सिंपल कर्व वो होते हैं जो अपने आप को क्रॉस नहीं करते ठीक है फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कर्व पढ़े थे तो टाइप्स ऑफ कर्व कौन से थे ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व तो ओपन कर्व कौन कौन से होगा? जैसे जो जिसका एंड पॉइंट होते हैं और क्लोज कर्व के क्या होते हैं एंड पॉइंट नहीं होते ठीक है ओपन कर्व हो गया क्लोज कर्व पढ़ लिया था उसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल क्लोज कर, सिंपल क्लोज कर्व वो होते हैं जो अपने आप को क्रॉस नहीं करे जो अपने आप को क्रॉस कर जाए वो हो जाते वो सिंपल क्लोज कर नहीं होते फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री पे पॉइंट पढ़े थे उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीगंस पॉलीगंस वो होते हैं एक 2D में जो वो होता है जिसकी साइड्स होती है क्लोज कर्व को हम पॉलीगन कहते हैं ये भी एक पॉलीगन है इसकी एक दो तीन चार फोर साइड हो गई ठीक है ये भी एक पॉलीगन है ठीक है ये यहाँ पे पॉइंट पे मिल रहा है ठीक है पॉलीगन पड़ा था जब हम तीन पॉइंट से मिलके पॉलीगन बने तो उसे ट्राइंगल कहते हैं चार पॉइंट से मिलके बने उसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं और जब वो क्वाड्रिलेटर की चारों साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो स्क्वायर होता है जब उसकी दो दो साइड इक्वल होती है तो वो रेक्टेंगल होता है ऐसी रोम्बस भी होता है काइट भी होता है तो क्वाड्रिलेटर की बहुत शेप होती है पांच साइड्स वाले को पेंटागन कहते हैं सिक्स साइड वाले को हेप्टागन कहते हैं सेवन साइड वाले को ऐसे बढ़ते जाए सॉरी सिक्स साइड वाले को हेक्सागन फाइव वाले को पेंटागन सेवन वाले को हेप्टागन एट वाले को ऑक्टागन तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओ तो नाम आते जाते हैं फिर पॉलीगंस के हमने बारे में पढ़ा था जैसे ये एक पॉलीगंस है ठीक है तो ये इसकी साइड हो गई ए बी बी सी ए बी बोल लो या बी ए बोल लो कुछ भी बोल सकते हो ए बी बी सी सी डी एक साइड हो गई डीई e, एक साइड हो गई और ई e, ए या ए e, एक साइड हो गई ठीक है तो ये तो एडजस्टेंट वर्टिसेस हो गई ए बी और बी सी और बी सी और सी डी भी एडजस्टेंट है ठीक है सी e, डी और डी e, ई है ई डी और ई ए भी एडजस्टेंट है होगा इनकी वर्टिस ये हो गई साइड साइड्स को हम एज भी बोल सकते हैं ये सारी इसकी एज हो गई ठीक है उसके बाद एडजस्टेंट वाली साइड को छोड़ के जब हम दूसरी साइड को मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है तो बी बी से कोई कितने डायगोनल बन सकते हैं ये नहीं बनेगा ये नहीं बनेगा बाकी जिन सबसे साइड से मिलाएंगे डायगोनल बन जाएंगे सी से ये डायगोनल नहीं बनेगा ये नहीं बनेगा तो ये डायगोनल बनेगा और ये बनेगा डी से ये डायगोनल नहीं बनेगा ये नहीं बनेगा ये बनेगा और ये बनेगा ये पहले से बना हुआ है तो हम फिर से ड्रॉ नहीं करेंगे तो कितने डायगोनल्स हो गए थ्री फोर फाइव तो इसके फाइव डायगोनल्स हो गए ठीक है ऐसी एक अगर हम क्वाड्रिलेटरल में देखें तो ये ए बी सी डी ये साथ साथ एडजेसेंट लाइन है ए बी बी सी एडजेसेंट है बी सी सी डी एडजेसेंट है सी डी और डी एडजेसेंट है ठीक है तो बी से कितने डायगेल बन सकते हैं ये और ये इसको ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये है तो एक ही बचा तो ये डायगनल हो गया अब सी से ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे तो ए ही है तो ये हो गया तो वैसे ही डी से ये नहीं होगा ये नहीं होगा डायगनल हो तो ये ही बचा तो दो डायगनल आए ठीक है तो अभी हम एक प्रॉपर्टी होगी हम डायगनल निकालना भी सीखेंगे कितने डायगेल होते हैं ठीक है तो थोड़ा पॉइंट टू रिमेम्बर था हमने यहाँ पे लास्ट में छोड़ा था यहां से पढ़ते हैं पहले अ पॉलीगन इज अ ज्योमेट्रिक फिगर इन टू डायमेंशन विद थ्री और मोर साइड तो पॉलीगन की कितनी साइड होती है स्टूडेंट थ्री और मोर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ऐसे कर लो आप सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स साइड वाला हो गया ठीक है क्योंकि दो साइड से कभी भी कोई पॉलीगन नहीं बनता वो क्लोज्ड हो ही नहीं पाएगा क्लोज होने के लिए हमेशा तीसरी साइड चाहिए ही चाहिए आप कितना भी ट्राई कर लेना ऐसे बना लो तो इसमें दो साइड चाहिए ठीक है तो पॉलीगन वो होता है जिसकी थ्री और मोर साइड होती है लाइन सेगमेंट विच फॉर्म ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड एजेस तो जिन लाइन सेगमेंट से पॉलीगन बनता है इनको हम एजेस बोलते हैं ठीक है वन टू थ्री एज हो गई वन टू थ्री फोर एज हो गई ठीक है अब पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन तो जो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और जिनके सारे एंगल इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर स्क्वायर हो गया साइड्स भी इक्वल हैं एंगल भी इक्वल हैं ये एंगल भी इक्वल होंगे और साइड्स भी इक्वल होगी फिर पांच साइड्स वाले में पेंटागन आ जाता है फिर हेक्सागन में भी वो वाला हेक्सागन जिसमें सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल इक्वल होने चाहिए ठीक है अब पॉलीगन ऑलवेज हैज एज मेनी एंगल एज इट इज साइड जितनी साइड होंगी उतने ही एंगल होंगे थ्री साइड तो थ्री एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर साइड तो फोर एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव साइड तो फाइव एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव एंगल सिक्स साइड तो कितने एंगल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साइड है फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल थर्ड एंगल फोर्थ एंगल फिफ्थ एंगल सिक्स एंगल एंगल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंगल मैं बता दू जब दो एडजस्टेंट लाइन मिलती है तो वो एक एंगल फॉर्म करती है तो उसे कहते हैं एंगल ये एडजस्टेंट लाइन ये एडजस्टेंट लाइन दोनों मिलके एक एंगल बना रही है ये एडजस्टेंट लाइन दोनों मिलके एक एंगल बना रही है ये वाली एडजस्टेंट मिलके एक एंगल बना रही है ये और ये एडजस्टमेंट मिलके एक एंगल बना रही है तो कोई भी दो लाइन जब मीट करती है तो वो क्या बनाती है स्टूडेंट एंगल तो ये हो गया एक एंगल चाहे वो इतना छोटा सा हो चाहे वो इतना छोटा हो चाहे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो ये भी एक एंगल है ठीक है एंगल हमने पढ़ लिया फिर आता है तो नंबर ऑफ ऑफ एन साइडेड पॉलीगन तो ये हैल का फॉर्मूला है अगर उसकी एन साइड होगी एन मतलब अगर थ्री साइड है तो हम थ्री यहां डालेंगे तो हमें उसके डायगेल पता चल जाएंगे यहां अगर एन साइड फोर साइड वाला पॉलीगन आएगा तो हम फोर डालेंगे तो हमें उसके डायगनल पता चल जाएंगे एन साइड पेंटागन का डालेंगे तो उसके हमें डायगनल पता चल जाएंगे ठीक है एक ट्राई करके देखते हैं हम सबसे पहले सबसे पहले हम थ्री साइड से स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ डायगनल्स का एन इंटू एन माइनस थ्री बाय टू यही तो दिया है ठीक है अब साइड्स मान लो थ्री है। थ्री साइड किसकी होती है ट्राइंगल की ठीक है पेन से करू अगर पेंसिल से आपको दिख नहीं रहा हो तो तो देखिए थ्री साइड वाला ट्राइंगल होता है इस तो ट्राइंगल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या पूरा लिखते हैं ट्राइंगल ठीक है ये आप सीखेंगे ट्राइंगल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट में ठीक है तो इसके नंबर ऑफ डायगेल निकालते हैं तो थ्री साइड होती है ट्राइंगल की तो थ्री डाल देंगे फॉर्मूले में थ्री इंटू थ्री माइनस थ्री बाय टू तो इसका आंसर क्या है थ्री इंटू थ्री माइनस थ्री क्या होता है जीरो डिवाइड बाई टू तो ये पूरा जीरो की वजह से थ्री जीरो जीरो टू, जीरो हो गया ठीक है तो आपको ये पता चल गया कि ट्राइंगल का एक भी डायगनल नहीं होता है क्यों क्योंकि ये वाला पॉइंट इन दो एडजस्टेंट से मिला तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं बचा जिसपे डायगनल डाल पाए इसलिए ट्राइंगल का एक भी डायगनल नहीं होता अब फोर साइड वाले पेंटा, उस पर आ जाते हैं हम पॉलीगन पे फोर साइड पॉलीगन किस क्या कहते हैं हम उसे क्वाड्रिलेटरल उसकी साइड इक्वल हो जाती है तो उसे स्क्वायर बोल देते हैं नहीं तो रेक्ट क्वाड्रिलेटरल बहुत तरीके के होते हैं स्क्वायर रोम्बसोग्राम काइट रेक्टेंगल ठीक है square, rhombus, फोर साइड्स वाले में कितने डायगनल होंगे तो हम फॉर्मूले में डालेंगे एन जगह फोर इंटू फोर माइनस थ्री बाय टू तो आंसर क्या आया फोर इंटू फोर ब्रैकेट मतलब इसके बारे फोर इंटू फोर माइनस थ्री वन बाय टू तो ये क्या आया फोर बाय टू तो फोर बाय टू क्या होता है आंसर टू तो क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगनल होंगे स्टूडेंट टू वो हमने देख लिया देखो जब चार साइड्स होती है कितने डायगोनल होते हैं और ठीक है फिर नेक्स्ट आता है हमारा फाइव साइड वाला फाइव तो साइड वाले में देखेंगे पॉलीगन उसे हम क्या कहते हैं पेंटागन ये रफ में मैं आपको बता रहा हूं आपको नोटबुक में अभी लिखने की जरूरत नहीं है फाइव इंटू फॉर्मूले में डालेंगे फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री डिवाइड बाय टू तो क्या आया फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री टू डिवाइड बाय टू तो ये हो गया टेन बाय टू या इसको ऐसे काटोगे तो 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 भी बचेगा 2 से 2 गया ऐसे कर सकते हो क्या तो आया स्टूडेंट तो इसके कितने होंगे होंगे साइड्स वाले के फॉर्मूले में डालने से पता चला तो हमने निकाले भी थे ये फाइव साइड फोर फाइव साइड वाले पॉलीगन के कितने डायगेल हो गए थ्री डायगनल फोर डायगनल और फाइव डायगोनल तो कितने डायगोनल निकल के आए फाइव ऐसे ही सिक्स वाले में डालेंगे हम सिक्स साइड वाले में आपको नहीं दिख रहा हो तो ठीक है मैं ऊपर कर देता हूं यहाँ पे सिक्स साइड वाला एग्जाम्पल है ये तो आप समझ जाना ठीक है सिक्स साइड वाले में पॉलीगन में कितने होंगे फॉर्मूले में डाला सिक्स इंटू सिक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय टू आंसर आया सिक्स इंटू थ्री बाय टू तो सिक्स थ्री एटीन एटीन डिवाइड बाय टू तो एटीन डिवाइड बाय टू क्या स्टूडेंट नाइन ठीक है तो उसके नाइन डायगनल होंगे वाले के. आप देखना तो आपको समझ में आएगा ये सिक्स साइड वाला पॉलीगन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आप इसके डायगनल बनाना तो आपको नाइन डायगनल ही मिलेंगे ठीक है तो अब ये हमारा हुआ इसकी थ्योरी खत्म और हमने टॉपिक समझ लिए अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज ठीक है सो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये मैं इधर एडजस्ट कर देता हूं तो थोड़ा सा कैमरे को ओके तो फिल इन द ब्लैंक्स तो ये आपको कैसा दिख रहा है ए और बी पूछा है फर्स्ट वाला कर्व ए एंड बी आर कैसे कर्व हैं ये ओपन कर्व क्योंकि इनका एंड पॉइंट है वो इस एंड 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 पॉइंट पॉइंट इसका भी कर्व ए बी सेकेंड में देखिए ये और ये कर्व कैसे है क्लोज कर्व क्योंकि इनका कोई एंड पॉइंट पता नहीं चल रहा है ठीक है कर्व विच डो नॉट क्रॉस दम सेल्फ आर कॉल्ड डैश कर्व तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट सिंपल कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं करते नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ अ कर्व जो बाउंड्री के साथ मिला के उसे हम क्या कहते हैं एक रीजन बनाता है तो ये क्या किया इसने क्रिएट रीजन इसके अंदर और उसकी बाउंड्री को हम रीजन कहते हैं ठीक है थीके? ये पॉइंट दिया है हमने शायद मिस कर दिया था अ कर्व हु एंड एंड पॉइंट्स आर सेम पॉइंट इस कॉल्ड जब किसी कर्व का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो जाता है जैसे कि ये कर्व ये कर्व तो ये इसको हम क्या कह देते हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम हो गया। तो ये कैसा कर्व बन गया क्लोज करोज एनक्लोज एन एरिया एंड हैज नो एंड पॉइंट तो ये सेम ही हो गई जो एक एनक्लोज एरिया बना दे और उसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो ठीक है तो अगर ये कंप्यूटराइज बना होता तो आपको एंड पॉइंट पता ही नहीं चलता अब कहाँ से स्टार्ट हुआ कोई सोचता है यहां से स्टार्ट हुआ कोई यहां से स्टार्ट हुआ ठीक है तो उसे कहते हैं क्लोज कर अब पॉलीगन विथ थ्री साइड्स को क्या कहते हैं हम ट्राइंगल अब पॉलीगन विथ फोर साइड्स को क्या कहते हैं क्वारिलेटर अब पॉलीगन विथ फाइव साइड्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स पेंटागन व्हाट इज अ पॉलीगन तो ये डेफिनेशन है पॉलीगन की ये मैं आपको अब कल आपको पी मिल जाएगी इसमें फोर पॉइंट वन और फोर पॉइंट टू के सारी डेफिनेशन होगी आपको वो याद भी करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर्स में आ सकती हैं ठीक है तो ये वाला तो आप एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे और ये जो डेफिनेशन है ये मैं आपको बता दूंगा पी डी एफ आप उसमें से उतार लेना टूमोरो कल मिलेगी आपको ठीक है वॉट इज द डायगनल ऑफ अ पॉलीगन तो वॉट इज अ पॉलीगन आपको पता ही है जिसकी मोर देन थ्री साइड्स हो टू डी में रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है पॉलीगन की डेफिनेशन आपको प्रॉपर दूंगा आप वो याद कर लेना व्हाट इज़ अ डायगनल डायगनल की भी मिल जाएगी वॉट इज अ रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं तो होते हैं रेगुलर पॉलीगन स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स तो हम ट्रू और फॉल्स पे पढ़ते हैं कर्व हुज एंड पॉइंट डो नॉट मीट आर ओपन कर्व जिनके एंड पॉइंट नहीं मीट करते हैं तो वो ओपन कर्व होते हैं हाँ ये ओपन कर्व हो गए इनके एंड पॉइंट मीट नहीं कर रहे तो ये ओपन कर्व है नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स। अ क्लोज कर्व बिगिन एंड एंड्स एट अ सेम पॉइंट तो क्लोज कर्व एक पॉइंट पे स्टार्ट होता है और एक ही पॉइंट पे खत्म होता है तो स्टूडेंट्स उसका आंसर क्या आएगा ट्रू जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं हम क्लोज कर देते हैं अ ट्राइंगल इज अ इन इन्वेस्ट मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज थ्री तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी मिनिमम नंबर ऑफ साइड थ्री होती है तो आंसर क्या ट्रू हाँ तीन ही तो होती है नेक्स्ट है ठीक तो है नेक्स्ट आता है हमारा इज अ सर्कल ऑफ पॉलीगन सर्कल एक पॉलिगन होता है ये आपको देखो फाइंड करना है आप पता करिए पॉलीगन होता है कि नहीं फिर मुझे मैं तो बता ही दूंगा ड्रॉ पॉलीगन आपको पॉलीगन ड्रा करने हैं, ड्रॉ सम रेगुलर पॉलीगन तो कोई आपको रेगुलर पॉलीगन भी ड्रा करने हैं तो ये आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा सारा सो so, आपकी यहाँ पे फोर पॉइंट टू खत्म होती है कल पी मिलेगी और कल ही मैं एंगल से आगे का स्टार्ट करूंगा तो आप देखो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है एंगल्स वगैरह हम सीखेंगे ठीक है सो थैंक यू